है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो यार आज हम लोग दोबारा से जीटी वाइस सिटी खेल रहे हैं। तो यार अभी मेरे पास लेंस की कॉल आई, तो और चलो सुनते क्या कह रहा है। अबे यार तूने फिर से वही रोना रो दिया कसम से यार, हद होती है। सॉरी भी कर रहा है, पास में पागल हो गया कसम से, क्या बोलूं मैं इसको। अच्छा अबे तो मैंने क्या करा है, पागल पंदी आदमी क्या कर रहा है। चलो क्या छोड़ा, बकवास ही कर रही हमेशा की तरह, जैसा कि करता हमेशा। अबे अबे इंतकाल हो गया सबका। चलो कोई मसले की बात नहीं बेटा, तुम लोगों को जन्नत में जगह मिलेगी। चलो यार अभी एक काम करते हैं फटाफट से यार, अपना भाई साहब जैसा कि तुम लोगों को पता होगा लास्ट बारी मतलब के मिशन के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, मैं मतलब कि पुलिस बन गया था। लिटरली यार इतनी खतरनाक पुलिस बन गई, पीछे हमारे पड़ गई थी कि मैं क्या बताऊँ। बहुत मुश्किल से मैं अपनी और लेंस की जान बचा के भागा हूँ वहाँ से यार। यहाँ हमारी गाड़ी मतलब कि ख़राब हो गई थी पुलिस वाली, तो मैंने रैंडम गाड़ी मतलब कि चुराई मतलब के बीच में से, तो काफ़ी मुश्किल से मैंने चुरा पाया। अगर पुलिस लग गई मेरी। बाकी यार हमने लास्ट वाले मिशन के ना बाइकर गैंग के भी जो मिशन थे ना वो सारे कर लिए थे, तो हमारे बाइकर गैंग के पास मिशन हो गए। तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ लव जूस की तरफ, क्योंकि यार इसके भी हमारे मिशन है कुछ बैंड वाले चक्कर हैं इसके, तो फिर आओ चलो चलते हैं। और इनका मिशन मैंने काफ़ी टाइम से करा भी नहीं है, तो यही करते हैं भाई फटाफट से यार। अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसमें अपन कोई मिशन करेंगे। तो आओ चलो पहले तो इसका मिशन करते हैं, इसका दूसरा मिशन देखते हैं कोई, क्योंकि यार अभी वाइस सिटी के समझ लो मिशन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी मतलब कि मुझे प्रॉपर्टी वाले मिशन खुद से खोलने करने पड़ेंगे, जब तक मैं वो खोलूँगा नहीं ना तब तक वो मिशन आएंगे नहीं, ये मसला है। बाकी मेरी जान देखते देखते वैसे मेरी गाड़ी में आग लगने वाली है ऑलमोस्ट। अबे 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 देखा मैं तुम लोग क्या करता हूँ, बस वहाँ तक पहुँचा दे ये चीज़। ओए उनके बिल्कुल दरवाजे आ गए लिटरली, जल्दी गाड़ी खड़ी हुई, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपन यहाँ से चलते हैं अपना चुपचाप। और हाँ चलो भाई साहब क्या बकवास करो मुझे बताओ। पब्लिसिटी टूर, अच्छा टोमी बेचारा मजबूर हो गया बोलने पे, हल्के बोल रहे। तो भाई साहब बेसिकली इनको कहीं जाना था काम से, तो यार इनको एक ड्राइवर मतलब कि नहीं मिल पा रहा बेसिकली, तो ये हमारी प्यारी गाड़ी है। कौन बोल रहा है भाई साहब? ओए होए भाई साहब, सीन पार्ट कर दिया भाई साहब, टायर वाला सीन पार्ट कर दिया इसने। बेसिक लेंस मिशन के अंदर मतलब कि इन लोगों को ड्राइवर मतलब कि चाहिएगा, जो कि इनको मिला नहीं था। यार मैंने बोला चलो मैं छोड़ दूंगा मसले वाली बात, यहाँ पर तुम लोग जाओगे। यार किसी ने मतलब कि किसी को मुखबरी होगा यार ये लोग कहीं जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो बेसिकली इस मतलब कि गाड़ी के अंदर लिमोजिन के अंदर बम फिट कर दिया है। तो गाड़ी जैसे स्लो करूँगा ना तुम लोग देख सकते हो डेस्टिनेशन वगैरह का आ रहा है। ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वो देखो बड़ा ना वैसा, मुझे उसको पूरा बढ़ने नहीं देना। तो मैं हल्के बोल रहे यार, क्या कर रही गाड़ी यार, कैसे चला रहे लोग पागल। तो देख सकते हो मौसम बहुत गंदा हो रहा है, मुझे किसी भी चीज़ों ने मतलब गाड़ी स्लो नहीं करनी। अगर मैंने स्लो कर दी ना वैसे सीन पार हो जाएगा। तो कितना कितना यार लेन चेंज कर रहे लोग यार आज, बेसिकली यही मतलब कि मिशन है आज का। इसके ना काफ़ी लोग मतलब कि डैश बन कर रहे चलो चल करते हैं मिशन यार, कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं इनका इंतकाल नहीं हो मेरे साथ। मैं बस का यार तो तुम लोग उसको बस बोल यार, ये नंबू की बेइज्जती कर रहे हो कसम से, हद होती है यार। तुम लोग देखा यार छोटी सी चक्कर लिटरली भाई साहब मेरी इतनी गाड़ी का मसला हो गया। खतरनाक मोड़ आ रहे हैं यार, क्या करूँ मैं।
यार बेसिकली मैंने रोड लिया इसलिए था कि मुझे ट्रैफिक इतना मिलेगी, बदकिस्मती साथ ट्रैफिक भी ज्यादा है और बारिश भी हो रही है। भाई साहब बम डिफ्यूज होगा फाइनली, तो ये लोग बम डिफ्यूज भी कर रहे थे तो भाई साहब अब सीन पर अच्छी बात हो गई। और देख सकते आपका भाई हैवी ड्राइवर है और मैंने किसी को कुछ नहीं होने दिया। ये देखो मैं गाड़ी रोक भी सकता हूँ। हाँ भाई देखो मैं घर पे छोड़ दूँ, बस बकवास नहीं कर रहा बस यार। आओ चलो इनको दोबारा लफिस मतलब कि अपन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यार इनका जो मतलब कि जहाँ पे इनको जाना था ना यहाँ जा नहीं रहे, इनके रिहर्सल का टाइम हो गया स्टार्ट, इनको वहाँ पे अपने बैंड वैंड में आके नाच गाना करना है। तो आओ चलो इनको फटाफट छोड़ दें यार, और ये बारिश बहुत खतरनाक हो रही यार, बस इतनी खतरनाक बारिश हो रही कि मैं क्या बताऊँ। बाकी मेरे ख्याल से ये मतलब कि इस लव फिश वालों का आखिरी मिशन है, इसका दिन के मिशन हो जाए ख़त्म। तो आ चलो फटाफट से इनको छोड़ दें, अबे अबे ऐसा थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बी एम डब्ल्यू, लेकिन चलो अपन लेके चल लेंगे अपना। बस ठीक है एक चीज भाई साहब, तो लव फिश आ गया है तुम लोग देख सकते हो ये लेफ्ट साइड के ऊपर, वो यहाँ पर इनको एंट्री दिलवा एंट्री मतलब कि एंट्री है। तो मैं हम सब लोग जाएंगे अभी, अरे कॉपीराइट कॉपीराइट करवाओगे तुम लोग पागल हो क्या करो। और मैं जल्दी निकल यहाँ से आता हूँ, हाँ अपनी पैंट जोड़ के ऊपर कर ले बाकी सब। यार ये लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेरा। हाँ चल अब मुझे यार कितना बोलते हैं, कितना बकवास करते हैं लोग, कितना बोलते हैं कसम से। तो बेसिकली यार मैं बाहर आ गया हूँ अपना, और अपना होगा मिशन यार। अब लफ्फिस के बाहर तुम लोग को एक गाड़ी मतलब कि हमेशा मिलेगी, तो जमीन के मिशन हो जाएंगे तो तुम गाड़ी वाली मतलब जब चाहो ले सकते हो, मतलब कि हमारा कोई मसला नहीं है। उन्होंने हमें बोला हुआ कि तुम्हें जब दिल करे ये तुम गाड़ी यहाँ से ले सकते हो, तो आओ चलो इसी गाड़ी को लेकर चलते हैं अपना। और ये लिटरली ये गाड़ी बहुत रेयर है, ये किसी और जगह पर तुम लोगों को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ लफ्फिस वालों के पास है क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट कराएगी। तो आओ चलो बेसिकली यार मुझे करना कुछ नहीं, मुझे एक काम करता हूँ कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ जिसके ज़रिए हम लोग मिशन करेंगे अपना आगे के फर्दर। अभी फ़िलहाल अपना आज का एक ही मिशन हुआ तो एक और कर लेते हैं भले, अभी फ़िलहाल मैं यार आगे जाने वाला हूँ और देखते हैं कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई देख लेंगे वैसा। यहाँ पे शायद कोई प्रॉपर्टी देखा सी है शायद, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है मुझे इसे थोड़ा बहुत कच्ची आवाज़ ही आ गई, लेकिन शायद यहाँ पर पता नहीं है नहीं, चलो चेक करता हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, चलो खैर छोड़ो, मुझे थोड़ा बहुत भाई साहब ढूंढना पड़ेगा यार, मतलब कि थोड़ा घर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे बिजनेस करवा सके। तो यहाँ पे तो खैर कुछ दुकानें भी बंद पड़ी पड़ी है, खाली प्लॉट है बल्कि किसका दुकान है ये बंद पड़ी हुई है। सामने भाई साहब मुझे कुछ दिखा है तो कोई यार ये तो कोई मतलब के फैक्ट्री टाइप की लग रही, चेक करते हैं यार क्या सीन पड़ा। इसका फ़ोन भी आ गया, इसका फ़ोन आ गया। हेलो टॉमी, या बेकर just wanted to say I really enjoyed the show. Achcha. Me and the boys want to thank you and remind you you've got our respect. Good day. Keep riding hard, son. भाई साहब तो वो बेकर हमारे मतलब काम से बहुत खुश हुआ था, उसने हमें याद करा था, बाकी वो अभी काम करते हैं फिलहाल, इसको छोड़ो। 17,000 रुपये की क्या चीज़ है, प्रिंट वर्क से अच्छा ठीक है भाई साहब फटाफट से करते हैं। तो बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि मैंने प्रिंट वर्क खरीद लिया और अब मेरे मार्केट में भी खरीद ली है। तो लुक देखो भाई साहब अभी पूरी फैक्ट्री लिटरली आपके भाई की है, और यहाँ पर बी एम डब्ल्यू भी खड़ी हुई है, क्या लुक आ रहा है देख रहे हो तुम लोग। चलो फटाफट से काम करते हैं, इसका मिशन आ गया और डॉलर का इसका सिंबल है। अच्छा तो यार अभी हमारे मिशन तो वैसे हो गए, तो अब हम मुझे ऐसे मिशन करने पड़ेंगे, तो चेकआउट करते हैं कैसे मिशन है।
स्पिलिंग द बीन्स। अच्छा ये कोई वर्कर हमारे पास आ रहा है। मिस्टर सेडी, हे, यू बॉट द ओल्ड प्रिंट वर्क्स? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was going to follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. ठीक है तो इस बुड्ढे ने हमें कोई सलाह दी तो फिर चलो वो काम कर शेयर करते हैं। पता नहीं कैसे क्या सलाह दी है। अच्छा ठीक है चल यार चलते हैं बस। कैन पॉल से मिलना ना मुझे। चल यार सही है अपना टाइम बचेगा। चलो फटाफट से यार चलते हैं। और यार इसने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है तो कैन पॉल से मुझे बातचीत करनी है यहाँ पर। कोई पता नहीं बंदा है। चलो चलते हैं क्या सीन पार्ट है इसका। अरे यार तू कॉपीराइट करवाएगा साले। तू कॉपीराइट करवाएगा। और डैश आदमी बहुत डैश आदमी। Oh, I guess you're lost, mate, innit? इसको साले को मारना चाहिए टाइटन। Hey, Shaggy, what do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine. Oh, what about you? Come here. Oh, 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 ऐसे जब भी अपना टोमी आदमी ना तो धोता बोल रहा है। सही बात है तो क्या लगता है ऐसी? Ready just to try and supply the plates. Ah, fuck. They've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. तो यार ये कोई प्लेट्स वगैरह का पूछ रहा था तो अपना टोमी तो आओ चलो चेक करते हैं इसने कहाँ का पता बताया। अच्छा ठीक है इसने कोई जगह बताई। अबे मेरी गाड़ी कहाँ चली गई यार। रुक जाओ फरारी जा रही है फरारी पकड़ दो। मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मिल गई मुझे आखिरकार। मुझे भाई साहब आर पर ही मिल चुका है। रुक गया मुझे आर पर तो फटाफट से ले लिया। चलो भाई साहब आर मर लें फटाफट से। ठीक है भाई साहब हम कोई मतलब कि इतनी आसानी से नहीं मार सकता। यार चलो अभी उसने जगह बताई नहीं भी चल रहे फटाफट से अपना। अरे क्या हो रहा है अभी क्या हो रही है आज कौन सी जगह बता रही है। पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा मुझे। शायद यार वो जो अपना कर्नल है ना वही उसने वही वाली जगह बताई मेरे ख्याल से शायद। चलो चेकआउट कर लेंगे बस मसला की बात नहीं है इसमें। चलता पर अपना नहीं यार ये गाड़ी वैसे थोड़ी बहुत जज्बाती गाड़ी तो इस वजह से थोड़ा सीन पार हो रहा है। ओहो भाई साहब नहीं हमें अगले शहर में जाना पड़ेगा। अगले शहर में वो जगह कहीं पे तो फटाफट से चलते हैं यार उस जगह पर। और इतनी टक्कर लगने का भाई साहब मेरी गाड़ी में फाइनली आग लगने वाली है तो अपन भी दूसरी गाड़ी ले लेंगे। बाकी वो वहाँ पर है शायद। भाई साहब गाड़ी में दम तो है वैसे मेरी आगे मैंने कितनी भी टूट गई हो मुझसे लेकिन गाड़ी में दम था। चलो खैर यार अपन लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपना। कहाँ पर बोर्ड के अंदर तो नहीं है। लो भाई साहब बोर्ड के अंदर ही मुझे लग रहा है शायद थीम पार्ट आ रहे हैं। जो आग भी लग गई होना वाके रह गया था लेकिन यहाँ पर मिला हुआ दिल ले लेगा आज के बाद हमें ऊपर जाने के लिए। अच्छा जी अबे 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 नहीं मैं तो इतनी आराम से जा रहा हूँ जैसे पत्नी में होटल में आऊँ किसी। भाई साहब आप टोमी वर्सल बनना पड़ेगा। टोमी वर्सल तुम लोग ऐसी की तैसी बैठा तुम लोग जानते नहीं मेरा पारा किससे पड़ चुका है। कौन नमूना मारा वो यार दिखाना कहाँ है कौन सा नमूना और कहाँ पर है मुझे दिखाओ सब कुछ दिखाओ। आ जा बेटा सामने आ जा। अच्छा ऊपर से मार रहा चल इसको ढूंढता हूँ मैं। चल बेटा वहाँ पे जाना है मुझे मेरे ख्याल से। अबे ये क्या चक्कर है
तो भूल अबे आज तो बंदे पे पता नहीं क्या चक्कर है सिंपट फटाफट से काम कर तो ऊपर चलते हैं अपना या यारी गन लेते हैं सॉलिड गन है ठीक है वैसा इसी तरीके से हमें खेलना है और आगे जाना है मुझे इसी तरीके से मोरा क्या मोरा ये मारा शायद ऊपर जब से इसको निपटा देंगे ना तो भाई साहब मेकर आ गया अपनी तरफ और बोल चुके हैं इसकी तरफ चलो भाई साहब हम लोग फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं यहाँ से हमें शायद पेन वगैरह वो प्रिंट वगैरह चाहिए ऐसा तो इन्फॉर्मेशन टाइप ही कुछ थी अबे यहाँ पे सारे थे ऐसे की तैसे और कौन मारा मुझे और गंदा मारा जो भी मारा अबे 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 मुझे कूदने की कोशिश करता हूँ अबे 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 वाओ अबे अबे मर जाएगा अबे शिट यार मर गया इंतकाल हो गया इसका तो अबे यार कसम से इतना अच्छा खेल रहा था मैं क्या बताऊँ चलो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है दोबारा से करते हैं आज थोड़ा बैड लगता है हमारा उतर जा फटाफट से उतर जा दे भाई साहब पहले यहाँ पर मुझे छोड़ेगा ये ढक्कन यहाँ से मैं दोबारा टैक्सी पकड़नी पड़ेगी नहीं यार कितनी ख्वारी कसम से यार भाई साहब ये मिशन इतना आसान लग रहा था आसान है नहीं वैसे तो अभी मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी टैक्सी तो फटाफट से टैक्सी लेते हैं यार मैंने मतलब कि चिट भी लगा ली वेपन्स की क्योंकि वेपन्स की अपन को बहुत ज़रूरत है और चलो फटाफट से यार मैं ये करता हूँ और इसकी हम लोग बातचीत कर देंगे स्केप सब कुछ चलो भाई साहब फटाफट से चलते हैं अबे यहाँ से भी कोई टैक्सी मिलनी चाहिए थी ना यार अब वहाँ तक मैं पैदल जाऊँ इसी पागलों की तरह चलो अभी एक काम करते हैं आर्मर भी पकड़ते हैं यार हाथ का जो आर्मर बहुत ज़रूरी है और आर्मर से मेरी बचत तो काफ़ी देर तक हो गई थी तो भाई साहब दोबारा से अपन को फरारी मिल गई वही वाली देख रहे हो तुम लोग किस्मत देखो भाई की पहले मुझे जाते हुए मिल गई थी फरारी बाद से ही मिल गई चलो फटाफट से गाना चेंज कर लेंगे कॉपी का चक्कर आ जाएगा भाई साहब तभी यार फटाफट से यार चलते हैं क्योंकि मुझे पता है मुझे डायरेक्ट कहाँ जाना तो मैं डायरेक्ट वहीं जाऊँगा यार 125 मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा जल्दी पहुँचा दी 125 की मैं क्या बताऊँ ये गाड़ी भी बहुत स्लो है उसके साथ में समझ लो किंग है स्पीड के अंदर वो मतलब कि जो बाइक है ना हैवी बाइक किंग है बाकी यार अभी मुझे दूसरे शहर जाना है और वहाँ पे बोर्ड वोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा तो हमें बेसिकली कोई प्लेट्स का कुछ चक्कर है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं इसलिए फटाफट से आओ चलते हैं अपना और इन्फॉर्मेशन लेकर अपने फ्रेंड्स पर रखने लेके आते हैं अबे अभी क्या हो रही तो बेसिकली अभी पाकिस्तान के रोड समझ के मैं लेफ्ट साइड पे गाड़ी चला रहा हूँ वैसे तो ये राइट अंग्रेज़ों की होती है अली साइड दूसरे मुल्कों में चलो कोई मसला वाली बात नहीं है अपन पहुँचने वाले हैं यहाँ पर बॉर्डर तक अपन पहुँच चुके हैं अपना और भाई साहब यहाँ पर मतलब कुछ नमूने तो इनका काम कर दो मैं स्नैपर से धो दूँ निपटाते हैं मैंने और कौन है बेटा और तो कोई है ही नहीं भाई साहब यार और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे और कहाँ है कोई बंदा अच्छा वो रखे मोना तो बेसिकली मैं इसकी टांगा में गोली मारी तो मुझे मिशन थोड़ा बहुत कोशिश करता अब अच्छा स्पोर्ट हो गया मैं और कौन है बेटा तो बेसिकली इन सब नमूनों का मार दिया है तुम लोग देख ही सकते हो और कौन है बेटा और कौन है जल्दी आयो देखो टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो मैं फटाफट से ऊपर जाऊँगा अपना और इनका सीन पार्ट करता हूँ ख़त्म ये गन ले लेते गन बेहतर है और एक नमूना राजा के भाई ने हाथ किया तो बस आखिर के अंदर एक फ्लोर बचे जा रहे हैं हमें जाना है एक्चुअली ठीक है भाई साहब ये मर गया इसका इंतकाल हो गया तो फटाफट से यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं
cuore giù. Sarebbe la leva classica, non ti fai. Oh, I talk. तो भाई साहब फटाफट से अपने इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, अब हम इंशाल्लाह निकल लेंगे यहाँ से. तो यार फटाफट से काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं अपना. एक काम करते हैं, इसे कूद जाता हूँ भाई साहब. ये भाई साहब देख रहे हो तुम लोग, छोड़ कर देखो भाई का, देख रहे हो. बाकी दो पुलिस अपने पीछे लगी है फालतू में. और लैम्बोर्गिनी लेके भाई साहब, तो फटाफट से लैम्बोर्गिनी लेके निकलते हैं अपना. लैम्बोर्गिनी मार्शल, ठीक है भाई साहब, बेहतरीन काम हो गया. जाओ तुम लोग देख ही सकते हो कि भाई चलाकी करी के आपका भाई ऊपर से ही कूद गया. मेरे लगा हेल्थ की ऐसी की तैसी कूद जा बंदा फौरन से. जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा भाई साहब, अपने टॉमी बड़ी सी बड़ी बिल्डिंगों पर से जंप मार देता और ज़िंदा बच जाता. तो यार मैंने सोचा कि यार क्योंकि थोड़ी जम तो इसके लिए बच्चा होगी, मतलब कि कुछ भी मतलब की बात नहीं. बाकी चलो यार अब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ. ओए ओए अबे 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 भाई साहब लैम्बर के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मुझसे. फटाफट चलते भाई साहब. ओए ओए देखो भाई साहब टोपी भरम में कैसे आ रहा है. तो बेसिकली यार आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा भाई साहब के हमने आज एक घर मतलब ख़रीदा है. और बेसिकली इसका सीन पर ये हुआ कि यार इस मतलब घर मतलब बोलो सॉरी कि हमने मतलब वर्कशॉप का ख़रीदा. तो यार आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर इसके फर्दर मिशन भी होंगे और भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे हम इंशाल्लाह आगे. तो यार इंशाल्लाह अब अच्छा कॉल भी आगे, कॉल उठा लेते हाथ के हाथ, पता नहीं क्या बोल रहा है कौन. अच्छा भाई साहब सोन ने हमें बहुत ख़तरनाक धमकी दे दी. तो इसकी मतलब के इसके मतलब के दिमाग के पेज हो गए ढीले, तो इसको मतलब के टाइट करना पड़ेगा. तो जो ओके अपकमिंग वीडियोस के हम लोग करने वाले हैं. बाकी यार तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब. और हाँ मैंने तुम लोगों को सजेशन ली थी, वही ज़रूर बताना कि यार मैं मतलब कौन सा गेम खेलूँ, नीड फॉर कार्बन खेलूँ या जीटी सैन एंड्रियास खेलूँ या कोई तीसरा अलग ही गेम खेलूँ, बिल्कुल मतलब कि अलग हो, मतलब के जिसका इन दोनों से ताल्लुक दूर दूर तक नहीं हो. तो मैं ज़रूर बताना दोस्तों. ठीक है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.